नमो अरहंताणु, नमो सिद्धाणु, नमो आयरियाणु, नमो उवज्जायाणु, नमो लोहे सवसाहुरु, नमो अरिहंताणु, नमो सिद्धाणु, नमो आयरियाणु, नमो उवज्जायाणु, नमो लोहे सवसाहुरु, नमो अरिहंताणु, नमो सिद्धाणु, नमो आयरियाणु, नमो उवज्जायाणु, नमो लोहे सवसाहुरु। बोलिए देवादिदेव एक हजार मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्या सागर जी महा मुनिराज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महा मुनिराज की। जयमले परम तपस्वी महायोगी मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। एक प्रश्न पूछता हूं, बताओ भगवान आपके पास है या नहीं है? सबके पास है, तरुण भी है, इन सबके पास भगवान है तो काय को भगवान विराजमान करना। छोड़ो, सबके पास भगवान है, पर कैसे भगवान है ये तो बात की बात है। कुछ बातें अगर आपके पास है तो निश्चित तौर से आपके पास भगवान है। अब आप देखना वो बातें आपके पास है कि नहीं। वो बातें हैं तो भगवान आपके पास है, नहीं तो भगवान आपके पास नहीं है। अभी भगवान आपसे बहुत दूर है, बहुत दूरियां हैं भगवान की और आपकी। तो सबसे पहली बात, अगर भगवान है तो गुड एटीट्यूड, अगर आपका गुड एटीट्यूड है तो भगवान आपके पास है। राग द्वेष अगर कम हो रहे हैं तो निश्चित मान के चलना आपका गुड एटीट्यूड है, आप धर्म के मार्ग पर है। राइट एटीट्यूड राग द्वेष बढ़ा सकता है पर गुड एटीट्यूड नहीं। क्या बोल रहा हूं? राइट एटीट्यूड राग द्वेष को बढ़ा सकता है लेकिन गुड एटीट्यूड नहीं। राइट गुड बैड और रॉन्ग, राइट गुड बैड और रॉन्ग, ठीक है ना। तो आप कहोगे राइट तो बहुत अच्छा हो सकता है, बैड तो खराब है, रॉन्ग तो खराब है, लेकिन राइट, लेकिन ध्यान रखना आपका राइट एटीट्यूड है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन सामने वाले की उसमें अनुकूलता नहीं है। राइट होने के बाद भी वो गलत है। राइट होने के बाद भी अगर सामने वाले की अनुकूलता नहीं है तो वो गलत है। और गुड जो होता है वो गुड ये होता है कि सामने वाले के लिए क्या अच्छा है हम वो करें, वो कहलाता है गुड, वो कहलाता है गुड। तो राइट में विरोध हो सकता है, ध्यान रखना गुड एटीट्यूड है तो भगवान निश्चित तौर से आपके पास है। और गुड एटीट्यूड मीन्स, और अगर अपन इसको खोलना चाहें तो ये है कि गुड एटीट्यूड किसके पास, गुड एटीट्यूड वाले के पास कंप्लेंट नहीं होती, गुड एटीट्यूड वाले के पास शिकायत नहीं होती।
जिसका जीवन शिकायत वाला है, कंप्लेंट वाला है, मतलब अभी उसके जीवन में गुड एटीट्यूड नहीं है, वो भगवान से बहुत दूर है, भगवान से उसकी दूरियां भी बहुत दूर है, बहुत करीबी आने के लिए और बहुत पास में बैठने के लिए अपने एटीट्यूड को उसको गुड बनाना पड़ेगा। और गुड बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, मेरे जीवन में मुझे शिकायत वाला जीवन नहीं रखना है, मेरे जीवन में मुझे कंप्लेंट वाला स्वभाव नहीं रखना है। एक भाई है, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर शिकायत नहीं करूंगा, कंप्लेंट नहीं करूंगा। और हुआ ये, नियम तो ले लिया और नियम लिया भी, और लेने के बाद हुआ ये कि बिना नमक का भोजन आ गया। अब बिना नमक का भोजन आ गया, ये ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि ज्यादा नमक का भोजन आ जाए। अब वो बिना नमक का भोजन अंदर उतरता नहीं है। ये लोग बोलते हैं कौन सी दिन होती, कौन सी दिन होती नमक की रस्सी, रविवार। तो बोलते हैं महाराज जी आज रविवार की रस्सी थी, नीचे नहीं उतरा, उतर ही नहीं रहा था, क्या करें बिना नमक के। तो आचार्य श्री ये कहते हैं कि नमक जो है ना वो मधुर रस है। अच्छा इसी उसको क्या बोलते हैं, मधुर, क्योंकि जिसके बिना चले नहीं वो मधुर, तो वो नमक के बिना। अब भाई ने नियम ले लिया और नियम लेने के बाद शिकायत नहीं करी, कंप्लेंट नहीं करी, और बाद में जब धर्म पत्नी ने भोजन किया तो समझ में आया कि वास्तविकता में क्या है। पति देव से पूछा तो उन्होंने बहुत बी पॉजिटिव बात बोली कि निश्चित तौर से अगर आज हमने बिना नमक के खाया है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी माँ तो हर रविवार को रस्सी करती है, तो मैंने यही सोच लिया कि निश्चित तौर से आज रस्सी पालने का मुझे भी अवसर मिल रहा है। तो बहुत प्रशंसता के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं इस रोटी में भी नमक मानकर खा रहा हूँ। और बोले मैंने याद कर लिया कि आचार्य श्री तो 45-50 साल तक पूरे जीवन में उन्होंने नमक को जो है स्वाद चखा नहीं है, तो वो कैसा आहार लेते होंगे। मैंने अच्छा अच्छा सोचते गया, मैंने ये नहीं सोचा कि नमक नहीं है, मैंने ये सोचा कि मुझे निर्जरा का साधन मिला है, मुझे पुण्य बढ़ाने का साधन मिला है। ऐसा कब, रोज रोज नमक का खा रहा था, आज बिना नमक का खा रहा हूँ, उसका तो टेस्ट ही अलग है, उसका तो स्वाद ही अलग है, उसका तो आनंद ही अलग है। और बड़े ही प्रसन्नता के साथ और बड़े ही अंदर से आह्लाद भाव के साथ मैंने आज भोजन किया। आपने इतने दिन भोजन कराया लेकिन उस भोजन का इतना आनंद नहीं आया, लेकिन आज बिना नमक का जो भोजन आपने कराया उसका मैंने बहुत आनंद लिया। बस सोच को बदल लिया, अपनी अंदर की धारणा को बदल लिया, और हमने बिना नमक के भोजन को भी अच्छा बना लिया, और ये सोच लिया ये मेरे लिए अच्छा है, ये गुड एटीट्यूड। और वहीं आप इस धारणा को चेंज करके आप क्या करते, चिल्ला देते, थाली फेंक देते, समझ में नहीं आता है, नमक नहीं डाला है, नमक ज्यादा हो गया है, ठंडा है, गर्म है, ऐसा है, वैसा है, यहाँ आपका एटीट्यूड बदल गया। तो समझना भगवान आपसे बहुत दूर है, भगवान आपके नजदीक नहीं है, बहुत दूरियां आपकी और भगवान की बढ़ गई है। तो हमें अगर भगवान के नजदीक पहुंचना है और वास्तविकता में भगवान के पास बैठना है, तो भगवान के पास बैठने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को अपने पास रखने के लिए एक ही आप कमिटमेंट कर लो, क्या, मैं शिकायत नहीं करूंगा। हो सकता है ऐसा, अभी बड़े ही अच्छे भाव से सबने बोला कि हमारे पास भगवान है, भगवान उनके पास है जिनका जीवन शिकायत से भरा हुआ नहीं हो, उन्हीं के पास भगवान रहेंगे, ये निश्चित आप मान के चलना। तो आपके पास भगवान है तो शिकायत वाला जीवन नहीं होना चाहिए। तो बांसा वालों, आज से शुरुआत अपन ने प्रवचन की कर दी है कि आज इतना कह दो कि हाँ महाराज जी, इस 4 महीने में हम शिकायत नहीं करेंगे, हो जाएगी दमदारी के साथ, वहीं से कर लो, 4 महीने में हम शिकायत नहीं करेंगे। बिना नमक का आएगा उसको नमक से ज्यादा मुस्कुराहट से लेंगे, ठंडा आएगा उसको मुस्कुराहट से लेंगे, कच्चा आएगा उसको मुस्कुराहट से लेंगे। अगर चाय में शक्कर नहीं भी होगी तब भी कहेंगे वाह कितनी मीठी चाय है, मजा आ गया, आनंद आ गया। क्या 4 महीने के लिए भगवान को अपने पास रखना चाहते हो आप? ज्यादा दिन के लिए 4 महीने के लिए रख लो, रख लोगे पक्का? सब लोग बोल रहे रख लेंगे, तो रख लोगे। तो आज इतना हमसे अब कमिटमेंट कर लो, ये जो 4 महीने आने वाले 4 महीने हैं, इसमें हम शिकायत नहीं करेंगे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए, वो चाहिए, जो है उसको बहुत मुस्कुराते स्वीकार कर लेंगे। बोलो ना हाँ,
कि नहीं पक्का? हाँ शिकायत नहीं होगी, नो कंप्लेंट। सच कह रहा हूँ, अगर आपका जीवन बिना कंप्लेंट का बन गया, बिना शिकायत वाला बन गया, महाराज जी अगर फिर भी गलती से हो गई गलती तो आप तो बोल देते हो, हम घर जाते हैं भूल जाते हैं, बस यहाँ तक जोश रहता है, होश रहता है, और जैसे घर से यहाँ से निकलते हैं वो होश और जोश सब चला जाता है। अब आपको हम कैसे कमिटमेंट करें और कैसे दें नियम, है ना? सही बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ ना। घर जाने के बाद वो नमक आ जाता है, बिना और भी बहुत सारी चीजें जाती हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो चिल्लाने में आ जाता है। वो तो प्रैक्टिकली है, इतने साल के संस्कार है, कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं कि आपसे बोलूं ऐसा कर लो और आप कर लोगे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको देता हूँ। वास्तविकता में प्रैक्टिकली हमेशा देता हूँ और हमेशा लोग करते हैं और फिर आकर ये बताते हैं, 4 महीने बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा और 4 महीने बाद आप मुझे बताओगे, आनंद आ गया महाराज जी, सच में हमारी शिकायत की आदत छूट गई और एक शांति का अनुभव होने लगा, वो परेशानी हमारे लिए परेशानी नहीं लगने लगी, वो हमारे लिए एक उपहार बन गया, एक हमारे जीवन का एक आगे बढ़ने का साधन बन गया। सिर्फ आपको गलती हो जाए और आप कंप्लेंट कर दो तो आपको सिर्फ एक माला फेरना है प्राश्चित के रूप में। क्या फेरना है? क्या फेरना है? छोटी सी माला है, छोटी सी, बस ज्यादा नहीं, छोटी सी माला है। पहले कमिटमेंट करो कि फेरूंगा तो बताओ, नहीं तो महामंत्र ऐसे नहीं बचाए जाते हैं। आचार्यों की वाणी है कि जो आपसे निवेदन करके मांगे उसी को ये सब जादू की चीजें दिया करो, है ना, नहीं तो नहीं दिया करो। आप निवेदन करो कि हाँ महाराज हम आप जो माला बता रहे हैं, कम से कम ज्यादा जीवन भर मत फेरना, 4 महीने के लिए हम कमिटमेंट करते हैं और 4 महीने इस माला को फेरेंगे। जब जब भी हमसे गलती हो जाएगी हम विचार करेंगे, एक बार होगी तो एक माला, दो बार होगी तो दो माला, 4 बार दिन में होगी तो 4 माला, है ना। बोलो तो बताऊं मैं उस महामंत्र को, बताएं, फेरोगे, करोगे, पूरे 4 महीने करोगे, बहुत अच्छी बात है। अगर 4 महीने करोगे तो आपको सिर्फ इतना सा आपको माला बोलना है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। क्या माला फेरना है? मुझे किसी से शिकायत नहीं है। हो गई हो गई, छोड़ दो, लेकिन फेरना क्या है? मुझे किसी से शिकायत नहीं। एक भाई आया एलोरा में, मैंने उसको नियम दे दिया, उसने नियम ले भी लिया। 4 महीने के बाद उसने ये बोला, बोले महाराज जी शुरू में तो बहुत बार गलती हुई, अब वो 2 दिन बाद याद यार उस वक्त शिकायत करी थी, माला फेर ली। अब जब जब भी शिकायत का मौका आता था तो वही मैं, मुझे शिकायत, मुझे किसी शिकायत नहीं, वो बात याद आ जाती थी। बोले महाराज जी निकल गई मेरा जीवन, आपने 4 महीने में बहुत अच्छा बना दिया, इस 4 महीने में अपने आप को सुधार लिया मैंने, अब मैं जरा सी बात पे कंप्लेंट नहीं करता हूँ, मेरे अंदर सरलता सहजता समता आ गई, हर चीज को हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करने की ताकत इतनी सी माला में आ गई। मैंने कहा नमोकार महामंत्र का बाप है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। इतनी सी आप माला फेर लेना, वास्तविकता में इस माला से आप सचेत हो जाओगे, आप अंदर से जाग जाओगे और जब जब भी वो मौका आएगा तो आप पीछे हो जाओगे, नहीं भैया मुझे शिकायत नहीं करना है, मुझे इस प्रकार से नहीं करना है। लेकिन जब होगा, जब मेरी बात मानोगे आप, तब आप वास्तविकता में 4 महीने में आपको बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बना दूंगा मैं, बिल्कुल भगवान बनने की उस कैपेसिटी, उस ताकत को, उस हैसियत को आपके अंदर लेके आने की ताकत रखता हूँ। लेकिन तब जब एक एक बात आप मेरी मानते चलोगे पूरे 4 महीने, तब आज पहली बात आपको माननी है, 4 महीने का नियम लेना है। वो नियम क्या लेना है? क्या लेना है? मुझे किसी से, बोलो रिपीट करो, रिपीट करो, और हाँ ये आपको माला फेरनी है। अगर आपने किसी पर चढ़ाई कर दी है, गुस्सा कर लिया है, प्रतिकूलता होने पर आपने बोल दिया ये नहीं वो चाहिए, तब आपको ये माला फेरना है। सबको फेरना है, भैया दादा दादाजी सबको फेरना है। बच्चों के लिए माला नहीं है, बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, माताओं के लिए भी है और बहनों के लिए भी है। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। आपका जीवन शिकायत से मुक्त बन जाएगा अगर आप इसको करोगे तो। पहली बात गुड एटीट्यूड, दूसरा गुड अट्रैक्शन। गुड अट्रैक्शन, गुड अट्रैक्शन का तात्पर्य क्या है कि वास्तविकता में आप के पास भगवान है तो जहां जहां अच्छा दिखे वहां वहां आपको प्रशंसा करनी है, वहां ये बोलना है कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिखे
कहीं ऐसा मर्यादा युक्त कपड़े पहने हुए तो कम से कम तारीफ करना कि देखो आज कपड़े कैसे पहने जा रहे हैं और आज की ये देखो कितने सुंदर कपड़े, कितने व्यवस्थित कपड़े पहने। इन्होंने तन ढकने के लिए नहीं, इन्होंने तन दिखाने के लिए नहीं, तन ढकने के लिए कपड़े पहने। उनकी प्रशंसा करना, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ अच्छा व्यक्तित्व दिखे, उदार दिखे आपको कि देखो इन्होंने चतुर्मास स्थापना का कलश लिया, इन्होंने भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो गुड अट्रैक्शन है। उसके प्रति उदारता के साथ कहना, हे भगवान मैं नहीं दे पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कलश स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ या बड़ी मैं प्रतिमा नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने लिए, इनकी पुण्य की मैं अनुमोदना करता हूँ, इनके पुण्य की सार्थकता हो, आज नहीं तो कल मेरे पास भी ऐसी सामर्थ्य आए कि मैं भी कर पाऊँ। आपको वो गुड अट्रैक्शन करना है, आपको सम्मान करना है, आपको बहुमान करना है। अच्छा ऋषि कहते हैं कि जिसे जैसे बनना हो, गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं आपको जैसे बनना हो आप उसका बहुमान करो, उसकी विनय करो, उसको सम्मान दो, आप वैसे बन जाओगे। आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ कलश की स्थापना, मैं नहीं प्रतिमा विराजमान कर रहा हूँ, लेकिन जो कर रहा है उसके प्रति बहुमान रखना, उससे जलन मत करना, उससे ईर्ष्या मत करना, उसके प्रति द्वेष भाव मत करना, उसके प्रति कंपटीशन के वो कंपेरिजन के भाव मत करना। क्या करना? उसकी उस पुण्य की सराहना करना, वाह वाह करना, ताली बजाना, आप ये मान के चलना आज नहीं तो कल आपके अंदर भी वो कैपेसिटी, वो ताकत आपके अंदर भी आ जाए। ये है गुरुदेव के शब्द कि जैसे बनना है, जैसे करना है, उस व्यक्तित्व के प्रति, उस कार्य के प्रति विनय हो, बहुमान होगा तो निश्चित तौर से सबको होता चला जाएगा। आपका अट्रैक्शन होना चाहिए किसके प्रति? गुणों के प्रति होना चाहिए। तपस्वी की तरफ देखकर आपके भाव होना चाहिए कि हाँ ये तपस्वी है, इन तपस्वी साधक को हमें नमन करना है, चाहे वो एक छोटा सा श्रावक, छोटा सा एक बच्चा भी क्यों ना हो, एक उपवास भी करने वाला हो तो उस उपवास की प्रशंसा आपको करना है, उस उपवास की प्रशंसा आपको देखकर करना है कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। अट्रैक्शन जब होता है, गुड अट्रैक्शन का तात्पर्य हम बाल कटवा रहे हो और बाल कटवाते वक्त हमें क्या याद आए कि भैया हम तो बाल कटवा रहे हैं और महाराज जी कैसे अपने हाथ से बाल को क्या करते हैं, खींचते हैं, ये गुड अट्रैक्शन है। गर्मी हो और गर्मी में आपको महाराज जी और जो लोग साधक है वो याद आए कि देखो ऐसा है, याद आया एक छोटा सा बच्चा, हमेशा उसका उदाहरण मैं सुनाता हूँ सब, क्योंकि वो इतना अच्छा दृश्य मुझे वो लगा था। मेरा मौन था तरुण भैया और वहाँ की बात है कि तलवारा घाट की, बहुत ठंड और जब ऐसे यहाँ ठंड तो बहुत पड़ती बुंदेलखंड में, तो बहुत ठंड थी। उस ठंड में टीन शेड थे, उस टीन शेड में हम लोग पहुंचे थे और बंबई का एक परिवार चोका लेकर मतलब शुद्ध भोजन बनाने के लिए वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद हम जो सीताकुटी है उसमें रुके थे, तब उस वक्त वहाँ उसमें रुके थे और उसमें रुके थे और उसमें रुकने के बाद जो है वो जो छोटा सा बालक है वो आया, हम तो बैठे थे एक तरफ, लेकिन वो जो अपनी नटखट वाणी में महाराज से बात कर रहा था और महाराज जी ने उससे पूछा क्यों भाई ठीक है, तो उसने कहा ठीक तो है, तो उस बालक ने बोला महाराज जी क्या आपको रात में नींद आ गई? तो महाराज जी ने कहा हाँ क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, मैं वहां सो रहा था, मुझे रात भर नींद नहीं आई, बड़ी ऐसी मीठी आवाज में मुझे बार बार आपकी याद आ रही थी कि मुझे तो नहीं आ रही है, पर आपके तो कपड़े भी नहीं है, मैं तो ओढ़ा भी हूँ, आप तो ओढ़े भी नहीं है, और फिर आपको कैसे नींद आ रही होगी? मुझे बार बार आपकी वही याद आ रही थी, हमारे महाराज कैसे सो रहे होंगे, हमारे महाराज कैसे कर रहे होंगे। ये गुड अट्रैक्शन उस छोटे से 7-6 साल के बालक ने महाराज को याद किया कि महाराज कैसे सो रहे होंगे, कैसा कर रहे होंगे। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, निश्चित मान के चलना। हम सतना में थे और सतना में मैंने मतलब मेरे जीवन की पूरे जीवन काल के इतना बड़ा हो गया हूं मैं और मुनि अवस्था के इस 22 साल के काल में सबसे ज्यादा अगर ठंड सहन करिए तो सतना की करिए। मतलब उस समय 2 डिग्री तक था वहां पर, 3 डिग्री तक था वहां, तो वहां दिन दिन भर धूप नहीं निकलती थी। तो जब 9:30 बजे सोच के लिए निकलते थे तो 9:30 बजे सोच के लिए हम सतना में निकलते थे। वो दृश्य आज भी याद है कि वहां पर मुसलमान भाई लोग भी कहते थे कि क्या है ये, हम यहाँ पर आग लगाकर तप रहे और ये नग्न अवस्था में ऐसे निकल रहे, वो नमन करते थे,
वो कहते थे, तो ये गुड अट्रैक्शन, वहां त्याग तपस्या दिख रही है तो वहां अपने आप आपका सिर झुक जाना चाहिए, माथा टिक जाना चाहिए, ये कहता है, कहलाता है गुड अट्रैक्शन। तो मान के चलना हमें दिखे तो निश्चित तौर से हमें करना है, तभी हम भगवान के नजदीक हैं। हम गुड अट्रैक्शन के प्रति अगर आकर्षित नहीं रहे तो अभी भगवान से बहुत दूर हैं। और आप सबने कहा है भगवान हमारे पास हैं, तो गुड एटीट्यूड है तो आप भगवान के पास हैं, गुड अट्रैक्शन है तो आप ये मान के चलना भगवान के पास हैं। अटेंशन टू गुड, अगर गुड के प्रति आपका अटेंशन है तो आप भगवान के पास है। कैसे? आप के पास, आपके सामने, आपके समक्ष क्या है? चातुर्मास है। अगर चातुर्मास के लिए आप सचेत हैं कि हमें क्या करना है चातुर्मास में, कैसे इन चार महीने को अपने को जीवन जीना है, क्या क्या हमें त्याग करना है, किस प्रकार से हमें करना है, वो आपने सोचा कि नहीं? गुड अटेंशन, अटेंशन हो जाओ आप, अच्छे काम करने के लिए अटेंशन हो जाओ। वो लोग होते हैं जो अष्टमी और चतुर्दशी आती है, बोले क्या, एक बिकन गांव के सज्जन थे, खंडवा के आगे है, बड़ा अच्छा मतलब लगा, हालांकि गुरुदेव के अनन्य भक्त थे, बहुत कम चतुर्थकालीन श्रावक बचे होंगे, एक बहुत बड़ी मतलब सेटअप को लिए हुए थे, उम्र लगभग उस वक्त 45-50 वर्ष की होगी, 52 गजा के वो अध्यक्ष थे और उनकी एक्सीडेंट में, हालांकि समाधि मरण पूर्वक उनका मरण हुआ। तो बताते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन कहना चाहिए, जो पूर्व में आगम ग्रंथों में पढ़ने में आता है, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन वो अटेंशन हो जाते थे, सातमी अष्टमी को उपवास करते थे, सप्तमी शाम को ही मंदिर में पहुंच जाते थे, अष्टमी मोबाइल सबका इसका उसका त्याग, दिन भर भगवान के पास बैठते थे, अगर रात को भी वहीं रहते थे, अगले दिन आते थे तो पूरी तैयारी करते, अटेंशन टू गुड, ये अटेंशन हो जाते थे कि क्या करना है हमें। तो आपको अटेंशन, आप कितने हुए कि नहीं हुए, ये सामने चतुर्मास है, इस चतुर्मास में मुझे मेरे जीवन में क्या क्या करना है, क्या परिवर्तन लाना है, क्या त्याग करना है, क्या इसमें चतुर्मास में मुझे रात्रि भोजन त्याग करना है, क्या रात्रि जल का त्याग करना है, क्या मुझे हरि का त्याग करना है, क्या मुझे नमक का त्याग करना है, क्या मुझे मीठे का त्याग करना है, मुझे क्या करना है, क्या मुझे इस चातुर्मास में सामायिक करना है, माला बढ़ाना है, या क्या करना है, चातुर्मास सामने आ रहा है, मैं सुनूंगा और सुनने के बाद क्या क्या फॉलो अप करूंगा, क्या तैयारी करी, अटेंशन टू गुड, क्या आपने मन बनाया, नहीं बनाया, अच्छा बनने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को महान बनाने के लिए, अपने आप को भगवान बनने के लिए तैयार करना है, तो क्या तैयारी करी आपने, बताओ तो सही। आप तैयारी तो करते हो शिखर जी जाने के लिए, आप 15 दिन पहले से तैयार करते हो, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करना है वैसा करना है, रिजर्वेशन कराना है, ये करना है वो करना है। अब 4 महीने का चतुर्मास है, उसकी आपने क्या तैयारी करी? महाराज जी हम रात में नहीं खाते हैं। अरे रात में तो 10 साल से नहीं खा रहे हो, 20 साल से नहीं खा रहे हो आप, पर एक ही क्लास में रहने वाला फेलिवर से, अब आप रात में नहीं खाते हो तो आप रात्रि पानी का त्याग करो। 11 बजे का है तो 10 बजे करना, 10 बजे का तो 9 बजे करना, 9 बजे का तो 8 बजे करना, जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से आपको अटेंशन होना है। ये अटेंशन कर लेना कि 4 महीने मैंने आप लोगों से बोला है हथकरघा के वस्त्र पहनना है, हेडक टेंशन खत्म हो जाएगी, दो जोड़ कपड़े की मर्यादा हो जाएगी, ना सजना है, ना सवरना है और ना सजना है, इतने से हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। नहीं तो आपको 15 मिनट उसी में लगता है कौन सी साड़ी पहनी, लगता है कि नहीं, 15 मिनट उसी में लग जाएगा कि कौन सी साड़ी पहनूं, क्या करूं। तो सबसे अच्छा यही है कि आप मर्यादा कर लें, 2 जोड़ 4 जोड़, और मैंने तो वैसे भी कहा है आप लोग मान लें तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कहा तो था, अब क्या पता कितने लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। मैंने आपसे कहा था कि एलोरा में चतुर्मास किया था, वहां के लोग बड़े सज्जन सीधे सरल है, मैं समझता था बुंदेलखंड के, पर बाकी वहां पूरे के पूरे लोगों ने कहा था, महिलाएं पूरी, तरुण भैया आप आए तो थे लेकिन देखा था आपने, नहीं देखा, पूरी महिलाएं एक जैसी पीले कलर का एक परिधान था उसमें थे, पिंक कलर के पूरे उसमें बच्चे लोग रहते थे, एक जैसी पूरे 4 महीने उन लोगों ने वस्त्र का नियम लिया था कि हम वस्त्र इसी प्रकार के पहनेंगे, और वैसे ही वो वस्त्र पहनते थे लगभग, ये मान के चलना अधिकतर लोग।
तो वो एक अलग दृश्य, महिलाओं ने तो पूरा फॉलो किया ही किया था, वो पूरे एक जी साड़ी में पहन के वो रहते ही रहते, तो एक अलग ही छवि दिखती थी। जो बाहर से अगर आता था वो प्रवचन हाल में देखता था तो ये क्या है, कोई विधान चल रहा है क्या? नहीं, विधान नहीं चल रहा है, इनका नियम है। कुछ आठ सात आठ माताओं ने तो ये नियम लिया था, जो थी थोड़ी सी वृद्ध, हमारे दो तीन का तो हमें नाम याद है, हमारे एक जो है मास्टर साहब, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो जो थे जिनके पूरा गुरुकुल संभालते हैं, उनकी धर्म पत्नी, तो उन्होंने और भी कुछ महिलाओं ने दो ही जोड़, तीसरी जोड़ नहीं, एक धुलती थी वो 24 घंटे उसी को पहनते थे। तो ये गुड अट्रैक्शन है कि गुरु महाराज ने बोला है हमें ये बात माननी है, और ये, और फिर ये बात उन्होंने खुद ने शेयर करी, बहुत सारे संकल्प विकल्प खत्म हो गए, और बस वो पहनना था तो कुछ विकल्प नहीं रहा, वो पहनना तो ज्यादा तैयारी का विकल्प मिला। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, क्या होता है कि अगर आप सब ले लोगे ना तो अब विकल्प मिलेगा, लेकिन दूसरा अच्छा पहन के आया है और हम नहीं पहनेंगे तो वो वाला टेंशन रहता है, इसलिए अब उसके चक्कर में हमें उसको देखा अगले दिन फिर और तैयार होके आएंगे। तो वो तैयार होके आने के चक्कर में गुड अट्रैक्शन जब रहेगा, जब आप मेरी इतनी सी बात मान लोगे कि हथकरघा के एक जैसे वस्त्र पहन के आना है और एक जैसे हमको रहना है, आप दो जोड़ तीन जोड़ चार जोड़ का नियम कर लो, इससे ज्यादा नहीं, इतने रखना है। अरे दादाजी अब तो उम्र हो गई अपनी, अपन तो कर ही सकते हैं ना, क्या हम चातुर्मास में ही रहेंगे, इतने ही कपड़े हम पहनेंगे, इतनी हरी काम त्याग करते हैं, इतने ही हम जो है पैसे काम करते हैं, इतने ही स्थान को हम मान लेते हैं, इतनी ही दूरी को हम मान लेते हैं, तो ये रहेगा गुड अट्रैक्शन। बिल्कुल ये मान के चलना अट्रैक्शन, ये और तो और कि 10 लक्षण आ रहे हैं, उस 10 लक्षण में हम ये करेंगे, ये गुड अट्रैक्शन। पूजन है ये बहनों के लिए, ये मौका है, क्या ये पूजन की तैयारी करके देना है ना, गुड के प्रति अट्रैक्शन करना है कि हाँ भैया वो पूजन होगी, उस पूजन में अस्त्र द्रव्य की सामग्री हमारी होनी चाहिए, हम सजा कर भी दें तो हम दें तो वो बहुत अच्छी बात होगी, ये सब कहलाता है गुड अट्रैक्शन। आप अगर करेंगे तो निश्चित तौर से वो गुड अट्रैक्शन ही भगवान के पास आपको आएगा। फिर गुड एक्शन, एक्शन आपकी गुड होना चाहिए, मतलब क्या, अगर मौका मिला है तो कल पर मत छोड़ना, आज ही करना है, अभी से करना है। ध्यान रखना, पाप करने से ज्यादा आपको धर्म करने का मौका मिलता है, पाप करने से ज्यादा आपको धर्म करने का मौका मिलता है। अब मौका मिला है तो पीछे नहीं हटना है, प्रतिदिन आचार्य भगवान की भक्ति भाव से जो पूजन हो रही है उसको करना है, ये मान के चल। रोज शांति धारा करने का सु अवसर मिल रहा है तो क्या है, गुड एक्शन, वो एक्शन को करना है, सो धोती दुपट्टे पहन के आना है और प्रतिदिन शांति धारा भी करना ही है, अभिषेक भी करना ही है, दान का मौका मिला है तो दान भी देना है और साथ साथ में आहार दान भी देना है। आहार दान का मौका आपको मिल रहा है, उसमें उसको पीछे मत हटना, उसको आपको करते चलोगे तो निश्चित आपका जीवन बहुत उत्कृष्ट बन जाएगा। सामान्य चीज मत मानना आहार दान को, ये आहार दान की वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपके सब दुख क्लेश संकट पीड़ा सब हर जाएंगे, ये ऐसी वो महान प्रक्रिया है। क्योंकि मैं हमेशा इस सूत्र को सब जगह जाकर बताता हूं, क्योंकि हे वही वही आचार्यों की वाणी है, हम समझ नहीं रहे, अगर हम समझ लें और उसको मान लें तो निश्चित हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। पिछली बार भी आया था मैंने सूत्र को बताया, फिर और बता रहा हूं कि सब चाहते हैं दुख से दूर होना,